हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंटीजर्स का इंट्रोडक्शन। इंटीजर्स आर द नंबर्स दैट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव एंड आर रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी। जैसे कि 2 हो गया, पॉजिटिव है, और 5 हो गया, -5 है, यानी नेगेटिव है। और जो किस पर रिप्रेजेंट किए जाते हैं, नंबर लाइन पर। नंबर लाइन होती है एक ऐसी लाइन जिसपे सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट, यानी कि सारे इंटीजर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे मिडिल में हम लिखेंगे 0, नंबर लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं वो बता रही हूँ। बीच में हम लिखेंगे 0, और राइट हैंड साइड हम लिखेंगे पॉजिटिव नंबर्स, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6। और लेफ्ट हैंड साइड हम लिखेंगे -1, -2, -3, -4, -5, यानी कि नेगेटिव नंबर्स। अब देखो, जैसे हम काउंटिंग करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो नंबर्स इंक्रीज होते जाते हैं। जैसे 1 सबसे छोटा, 2 उससे बड़ा, 3 उससे बड़ा। बट जैसे जो ये नेगेटिव नंबर्स होते हैं, इनमें क्या होता है, -1 सबसे बड़ा, -2 उससे छोटा, -3 इससे बड़ा छोटा, सॉरी। तो यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। और 0 ना ही तो आपका नेगेटिव होता है और ना ही ये पॉजिटिव होता है। फिर आते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी किसी भी नंबर को किसी से मल्टीप्लाई करो तो आंसर सेम है। जैसे कि किसी भी नंबर की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है, जैसे देखो, जैसे मैंने यहाँ पे कोई नंबर लिया 2, तो 2 के नीचे मैं बाय 1 लिख सकती हूँ, क्योंकि इसके फ्रैक्शनल नंबर नहीं है। जैसे 2 है, 2 एक फ्रैक्शनल नंबर नहीं है, तो इसके नीचे अगर मैं 1 लिखूंगी तो भी सेम रहेगा, 2/1 या फिर 2, यानी कि 2/1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 1/2। 1/5 है तो उसका रेसिप्रोकल कर देंगे 5/1, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है, जो भी नंबर हमें गिवन है, जिस भी नंबर का हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है, उसका हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल। एडिटिव आइडेंटिटी भी सेम होती है। जैसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में हमें कुछ मल्टीप्लाई करना होता है कि सेम आंसर है, एडिटिव आइडेंटिटी में हमें कुछ ऐड करना है कि सेम आंसर है। जैसे 3 की एडिटिव आइडेंटिटी निकालनी है, तो 3 में क्या प्लस करें कि आंसर सेम है, 0। किसी भी नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 0 होती है। एडिटिव इन्वर्स यानी कि -1/2 है फॉर एग्जाम्पल, इसके हम एडिटिव इन्वर्स निकालना है तो क्या हो जाएगा, 1/2, यानी कि साइन चेंज हो जाएगा। 2 का निकालना तो -2। रूल्स ऑफ इंटीजर, इंटीजर के अब कुछ रूल होते हैं। जैसे देखो, पॉजिटिव नंबर, और एक पॉजिटिव नंबर है और एक नेगेटिव पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव नंबर, जैसे 2 और 5, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है, और आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव नंबर ही आएगा। फिर आता है एक नेगेटिव नंबर है, दूसरा भी नेगेटिव है, तो वो दोनों ऐड हो जाएंगे और आंसर आंसर जो है नेगेटिव ही आएगा। फिर एक पॉजिटिव नंबर है और एक नेगेटिव नंबर है, वैसे अब जैसे यहाँ पे एक पॉजिटिव है 2, एक नेगेटिव है -5, ठीक है, वैसे वो माइनस ही होंगे, 5 - 2, 3, बट साइन किसके अकॉर्डिंग आएगा, साइन आएगा जो भी बड़ा होगा, यहाँ पे होगा तो माइनस ही, बट क्या होगा, साइन बड़े के अकॉर्डिंग आएगा। बड़ा नंबर कौन सा, 5 है ना, यहाँ पे आंसर आया 5 - 2, 3। अब बड़ा साइन कौन सा, 5 के आगे, 5 बड़ा है ना, मतलब बड़ा नंबर है 5, उसके आगे कौन सा साइन है वही लगा जाएगा, -3। सेम विद दिस, नेगेटिव नंबर यहाँ पे कोई लेती हूँ मैं -8, और पॉजिटिव नंबर लेती हूँ यहाँ पे 2, ऐसे हो गया। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका भी सेम आएगा। देखो, 8 में से 2 गया 6, बड़ा नंबर कौन सा है 8, उसका कौन सा साइन है, माइनस, तो -6। तो ऐसे ही आपके कुछ रूल्स होते हैं इंटीजर्स के। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।